नमस्कार, मैं हूं अल्फी और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। तमिलनाडु में डीएमडी के नेता विजय कांत का गुरुवार को चेन्नई में निधन हो गया। वे हाल ही में कोरोना की चपेट में आ गए थे। अभिनेता और राजनेता की कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पार्टी ने बयान जारी कर बताया था कि सांस लेने में तकलीफ के कारण विजय कांत को वेंटिलेटर पर रखा गया था। जानकारी के मुताबिक विजय कांत को 20 नवंबर को MIOT अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक विजय कांत को निमोनिया की आकायत के बाद भर्ती कराया गया था। इसके बाद से ही वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया।